पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में बहुत अच्छे से ये जांच हो रही है, ये मानना है अदालत का। अदालत ने इस केस में आरोपी शिवसेना नेता संजय राउत की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि हवाला की कुछ और नई कड़ियां उसकी नजर में आई है जिसकी तफ्तीश बेहद जरूरी है। विरोधियों को सीधी चुनौती देने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत खुद संकट में घिर गए हैं। करोड़ों रुपए के पत्रा चौल घोटाले में फंस गए हैं। ईडी की कार्रवाई के बीच संजय राउत बार बार खुद को पाक साफ बता रहे हैं। ईडी की पूरी कार्रवाई के पीछे साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। लेकिन मामले की जांच में जुटी ईडी अलग ही दावा कर रही है। पत्रा चौल घोटाले में संजय राउत के खिलाफ पुख्ता सबूतों की बात कह रही है। ईडी का दावा है कि जैसे जैसे इस घोटाले की कड़ियों को जोड़ा जाएगा, संजय राउत की भूमिका का खुलासा हो जाएगा। ईडी के वकील के मुताबिक उसके हाथ लगे नए दस्तावेजों को लेकर जब संजय राउत से पूछताछ की गई, तो पता चला कि कुछ लोगों को 1,17,00,000 रुपए कैश दिया गया था। उन दस्तावेजों के मुताबिक अलीबाग में कैश ट्रांजेक्शन हुए जहाँ प्लॉट खरीदे गए थे। हालांकि शुरुआत में संजय राउत इससे इनकार कर रहे थे। वर्षा राउत के खाते में इतना पैसा क्यों आया, ये बताने में भी संजय राउत नाकाम रहे। ईडी ने नए ट्रांजेक्शन मिलने की बात भी कही है, जिनके सोर्स की जांच के लिए वो बैंकों से दस्तावेज मंगवा रही है। ईडी का कहना है कि उसने इस केस में कुछ और लोगों को भी समन भेजा है, जिनका सामना संजय राउत से कराया जाएगा। पर संजय राउत के भाई ने एक बार फिर उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संजय राउत बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। वो कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उनके सभी लेन देन वैध, बीजेपी उनसे डरती है। यहाँ कोई कैश का मामला है ही नहीं। संजय राउत शिवसेना का, बाला साहेब ठाकरे का निष्ठावान कार्यकर्ता है और उनको पॉलिटिकली उनका आवाज दबाना है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उठता है, इसलिए उनको आवाज दबाना है। इसलिए ये सब कुछ केस बनाया हुआ है। पूरे 3 दिन में 3 घंटा भी कोई इंक्वायरी साहब की नहीं, पूरे दिन पूरे 3 दिन बार बार वो ही पूछते है, लेकिन ऊपर से जब तक प्रेशर है तब तक वो चलते रहेगा, क्योंकि ईडी भी ईडी के ऑफिसर के हाथ में कुछ नहीं, वो सब कठपुतली है, ये सब दिल्ली से चल रहा है। ईडी के मुताबिक संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत उनके फ्रंटमैन हैं, जो राउत के लिए सारे लेन देन करते हैं। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर है। इसी कंपनी को संजय राउत ने गोरेगांव स्थित पत्रा चौल को रीडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट माहडा से दिलवाया था। ईडी की माने तो प्रवीण राउत को पत्रा चौल घोटाले से 112 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी शुद्ध लाभ राउत की मदद से प्रवीण की कंपनी को माहडा से प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला। और दूसरा, संजय राउत ने सियासी धौंस जमा कर जमीन पर मौजूद किरायेदारों को भगाया। ईडी का आरोप है कि पूरे घोटाले में संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश वधावन, सारंग वधावन ने पूरी प्लानिंग के साथ घोटाले को अंजाम दिया। संजय राउत और उनका परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है, पर ईडी की माने तो उनके पास राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दावा है कि 2009 में गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर और संजय राउत के दोस्त ने वर्षा राउत को 55,00,000 रुपए दिए, जो संजय राउत की पत्नी है। साल 2011 में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा ने प्रवीण राउत की कंपनी में 29,50,000 रुपए का निवेश किया। एक महीने के अंदर संजय और उनकी पत्नी को 29,50,000 निवेश के बदले 37,50,000 रुपए का मुनाफा दिया गया। संजय राउत की पत्नी वर्षा ने प्रवीण राउत के प्रोजेक्ट में सिर्फ 5,625 रुपए का निवेश किया, जिसके बदले में उन्हें 13,94,375 रुपए मिले। एक तरफ जहां संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर एनसीपी चुप्पी साधे बैठी है, वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी संजय राउत के समर्थन में ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, धमकी, छल, कपट से सत्ता हथियाना और लोकतंत्र को कुचलना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। संजय राउत और उनके परिवार पर हमला इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी की छल कपट वाली राजनीति से डरते नहीं हैं और उनका डट के सामना करते हैं।
डर और धमकी कायरों के हथियार हैं, सच के वार के सामने ये टिकेंगे नहीं। शिवसेना के 8 साल के राज्यसभा सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।